पैर यानी कि पुट्ठे ही सफर कर रहे ने। ते की कारण है तुसी देख सकते हो कि जब असी दसूहा मुकेरिया हाजीपुर रोड ते साडी टीम पहुंची सी ते एक व्यक्ति नु असी देखिया जो उल्टे पैर यानी कि पुट्ठे ही सफर कर रहे ने। ते की कारण है तुसी देख सकते हो कि कित्थों आए ने, पूरी जानकारी लवांगे और जा रहे ने किते नु। ते इस वक्त असी दसूहा तो जो हाजीपुर सड़क है उते हैं ते आपां गलबात करन दी कोशिश कर लैने। सर आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं बापूरा गुंड रहने वाला पुरसिंगी पुणे। मैं तुलजापुर से, तुलजा भवानी माता हमारी कुल देवी से मंदिर से दर्शन लेकर 22/1/2024 को उल्टे पर दिल्ली की ओर निकला। दिल्ली में जंतर मंतर पर दर्शन करने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और बाकी मान्यवरों को निवेदन देने के बाद मैं जम्मू कटक के लिए माता जगत जननी को संबंध मानव जाति के कल्याण के लिए आनंदी सुखी रहने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और कृपा करें ऐसी दुआ मांग रहा हूँ। और मैं चलते चलते 100% वोटिंग के लिए भी काम करता हूँ और सभी लोगों को कहता हूँ जब जब आपके पास इलेक्शन आएगा तब तब आप वोटिंग जरूर कीजिए। हर एक इलेक्शन में देखा जाए तो 50-60-70% ही वोटिंग होता है, बाकी 30-40% लोग वोटिंग करते नहीं है। इसके लिए मैं बहुत साल से झगड़ रहा हूँ, 12 घंटे 24 घंटे मैं ये काम करता हूँ। और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम है और जो है रोड पर होने वाले एक्सीडेंट, तो महायुद्ध में इतने लोग मरे नहीं, उससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, आपको मर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। इसके लिए मैं जब भी कपड़े पहनता हूँ तब गले में सिटी लेकर घूमता हूँ और जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है वहाँ पर मदद करता हूँ। अभी भी आज के टाइम भी बहुत से एक्सीडेंट बचे हैं और बहुत से एक्सीडेंट को मैं मदद भी की है। सर आप कितना सफर कर चुके हैं अभी तक, जो कितने किलोमीटर हो चुके हैं आपका? मैं किलोमीटर गिनता नहीं हूँ, लेकिन एक बोलने की एक खास बात है, अभिमान की एक खास गर्व की बात है कि मैं 22/2/2017, 22/2/2022, 22/1/2024 ऐसा तीनों बार मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर आंसन के लिए बैठा था। और मेरा रिक्वेस्ट था और मुझे थोड़ा सा मन में दुख हो रहा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, इनके ऑफिस से कम एक आदमी आकर मेरी पूछताछ तो करता। मेरा संदेशा जग 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 के कल्याण के लिए है और मैं गारंटी देता हूँ जो भारत में जो एक्सीडेंट होता है मेरा संदेश और मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अभ्यास है वो जो लागू किया तो भारत के 50% एक्सीडेंट कम कर सकता हूँ। जी अभी आप जो जा रहे हो यहाँ से कम भी तो 200 किलोमीटर के आसपास होगा वैष्णो देवी कटरे के लिए, कितना समय आपको लग सकता है और समय लगेगा वहाँ जाने के लिए? मैं समय की गिनती करता ना हूँ, मुझे कुछ रिकॉर्ड बनना नहीं, मुझे सिर्फ आनंद यही आ रहा है कि मैं माता के नज़दीक आ रहा हूँ, माता के द्वार पहुँच रहा हूँ। यही हर दिन हर पल ज़्यादा से ज़्यादा आनंद बढ़ते जा रहा है। और जो मैं मानव कल्याण के लिए चल रहा हूँ मैं उल्टा इसलिए चल रहा हूँ, लोग सीधा चले, सीधा रहे, अपनापन जगाए, भारत की संस्कृति जगाए और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को मदद करे, सिर्फ करने के लिए ना कहे, हम सब एक है, हम सब भारतीय बांधव है, तुम्हारी बंधुता, तुम्हारी एकता, एक दूसरे को मदद करने में, सहकार्य करने में हर कदम पर लगनी चाहिए, काम आनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, कौवा भी अपना पेट भरने के बाद काव काव करके अपने बांधवों को खाने के लिए बुलाता है, हम तो मानव है, एक दूसरे को मदद करना जरूरी है, मानवीय जीवन अनमोल है। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ और गुस्सा क्रोध मत करे, किसी का द्वेष तिरस्कार मत कीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, हंसाए, खाना खिलाए और जितना हो सके उतना अपन खुद भी खुश रहे और दूसरे को खुश रखें।